हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स 50 चैनल पर। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहली बार सीटेट एग्जाम देने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि एग्जाम क्या होती है, कितने पेपर होते हैं, सब कुछ हम इसमें जानेंगे। देखिए, जिन्होंने अभी BA, DA, DL, जिसमें भी एडमिशन ही जस्ट लिया ही है अभी आपका, अभी आपके एग्जाम भी कभी मतलब कोई सी भी अभी नहीं हुई है, एक सेशन भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। पहले तो आपको ये बात पता ही होगी। तो अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं डाला है और BA में या फिर किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है और टाइम आपके पास तैयारी का भी है, 2 महीने है, 2 महीने में अगर आप चाहें तो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं ये एग्जाम। देखिए, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, पर जरूरी है किस स्ट्रेटेजी के साथ सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं या नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है। पहले देखिए, अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो ज्यादा देर ना करते हुए फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से, 17 सितंबर से, तो 16 तारीख लास्ट है, 16 अक्टूबर, आपके पास 1 महीने का समय है और अभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट में मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में फिर साइट स्लो हो जाती है या फिर आपके सेंटर इधर उधर दूर आएंगे और आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ करेक्शन होगा, तो आप अभी करवा लेंगे, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा पहले। तो उसके बाद देखिए, आपको पता होना चाहिए ये जो आपकी सीटेट एग्जाम है, 1 दिसंबर को एग्जाम है, पहले तो आपको ये पता है 1 दिसंबर को एग्जाम है, मतलब टोटल टाइम है हमारे पास 2 महीने का ही सिर्फ समय बचा है, 2 महीने का समय है। किस तरह से हमें पढ़ना है, पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। बुक से अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाना है, तो आप ऑनलाइन कोर्स देखिए, उसमें आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की जो भी टॉपिक वाइज क्लास है वो आप कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आप PYQ, साथ में ही सिलेबस के साथ PYQ लेकर चलिएगा, ठीक है। टेस्ट पेपर आप बाद में लगाइएगा और रिविजन के साथ टेस्ट पेपर कीजिए, ठीक है, और सिलेबस के साथ PYQ करने हैं, ताकि यहाँ से आपका बेस बनता हुआ जाए। देखिएगा, सिलेबस, PYQ, इन सब चीजों को अगर आपने प्रॉपर मतलब सही बैलेंस कर लिया तो आपका एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर सभी को आपने अच्छे से बैलेंस करना सीख लिया और 2 महीने में सही स्ट्रेटेजी के साथ आपने पढ़ाई की है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भी सीटेट देने जा रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिएगा, पेपर 1 होता है और पेपर 2, पेपर 3 अभी एड नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता है, इसलिए इसी एग्जाम को टारगेट कीजिए। पेपर 1 में आपके मतलब अगर आपने किया होता है DL, DED इस टाइप के कोर्स, तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर BED किया है तो आप पेपर 2 के लिए और DL वाले दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, सारी वीडियोस आपको मतलब इसी चैनल पर मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट आते हैं, टोटल 150 नंबर का, इतना हम जान लेते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर रहता है, 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मिनट मिलते हैं, ठीक है, मतलब 2.5 घंटे आपको एक पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलता है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और पेपर आपका ऑफलाइन होता है, मतलब OMR सीट दी जाती है, उस पर हमें गोले भरने होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इन सब अगर बातों का आप बेसिक बेसिक जानेंगे और सही स्ट्रेटेजी के साथ सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ यही आपको बताना था, और अभी तक अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द कीजिए, जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने की, और ज्यादा समय आप दीजिए इसको, 2-3 घंटे में काम नहीं चलेगा, ज्यादा आपको फोकस इस पर करना पड़ेगा। देखिए, सीटेट का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की क्लासेस आपको मिलने वाली है। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां कॉल कर भी आप ले सकते हैं और बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो और हमारी एक अति संभावित प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिएगा डेली, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट हुए हैं वो लेंगे और जिनकी संभावनाएं हैं, जो जो टॉपिक हमेशा मतलब हर बार एग्जाम में आते हैं उनको कवर करने वाले हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।